नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी है। साल के पहले महीने का ये 21वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई थीं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। भारत ने आज के दिन 21 जनवरी 2008 में इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया था। 300 किलोग्राम के इस उपग्रह को पोलिरिस भी कहा जाता है। प्रख्यात वकील रास बिहारी बोस का निधन आज के दिन 1945 में हुआ था। रास बिहारी बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म पूर्वा वर्धमान जिले के सनबालदा गांव में 1886 में हुआ था। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय सेना सौंप दी थी। आज के दिन यानी 21 जनवरी 1963 में हिंदी साहित्य के जाने माने उपन्यासकार शिव पूजन सहाय का निधन पटना में हुआ था। वो अपनी लोकप्रिय कृति देहाती दुनिया समेत हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं। भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आज के दिन 1969 में लॉन्च किया गया था। इस कंप्यूटर को मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।